अंबाला की शावनी सिर्फ 5 साल की है, लेकिन राजनीतिक से लेकर विज्ञान तक के सवाल का जवाब शावनी पलक झपकते दे देती है। शावनी अभी पहले कक्षा में पढ़ती है। उसके पिता ने बताया कि शावनी के इस खास टैलेंट का पता उन्हें लॉकडाउन के दौरान मालूम हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शानवी गिल। शानवी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट क्लास। अच्छा शानवी, ये बताइए एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? गोबी। वेरी गुड। अच्छा, पॉलिटिकल भी जानकारी रखते हो आप? हाँ। अच्छा, देश के कितने प्रधानमंत्री अभी तक हुए? अभी तक 17। अच्छा, पांचवा प्रधानमंत्री कौन था? पांचवा चौधरी चरण सिंह। विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताइए? पानी तिब्बत का पठार। अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा जो सीमाएं हैं किस देश को लगती हैं? चीन। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बताइए? लापाज। विश्व की सबसे छोटी नदी? डी नदी। विश्व का जो पहली कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश बताइए? चीन। सर, जैसे पीछे लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें मेरी मिसेज हैं जो कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करते हैं, वो जैसे अपनी पढ़ाई करते हैं तो बिटिया पास में बैठी रहती थी, तो वो सुन के वो एक दो बार उसने पर्सन दोबारा जैसे आंसर दिए, तो हमें लगा कि बेटी में टैलेंट है और इसको अच्छे से निखारना चाहिए, तो हमने इसको कुछ पर्सन जैसे बच्चे को समझाना शुरू किया और बच्चे ने बहुत जल्दी उनको पिकअप किया और उनके आंसर हमें दिए। तो पिछले 2 महीने में हमने इसकी तैयारी करवाई है, जो भी इसकी माता जी ने जो इसको पढ़ाया, बच्चे ने बड़ा क्लियर उसको कंप्लीट किया। तो क्या एक बार ये पढ़ के पता लग जाता है बच्ची को या कैसे? हाँ, बच्ची में टैलेंट को अगर देखें तो बच्ची एक बार में इसको जो चीज़ बता दी जाती है वो तुरंत याद कर लेती है। फरुखाबाद में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही के चलते एक बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि बच्ची का शव पड़ोसी रिटायर्ड शिक्षक के घर के शौचालय के टैंक में मिला। बता दें कि बच्ची को अगवा किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को समरपाल प्रजापति, ये ग्राम खेमसेपुर थाना मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं, इन्होंने रात्रि में करीब 10 बजे अपनी 10 वर्षीय पुत्री आकांक्षा, जो कि एक पैर से कुछ विकलांग थी, उसके गुम होने की सूचना थाने पर दी। इसके संबंध में थाना मोहम्मदाबाद पर धारा 363 IPC का मुकदमा तत्काल पंजीकृत किया गया था और उस गुमशुदा बालिका की तलाश प्रारंभ की गई। रेवाती के दुर्जनपुर गांव में राशन की दुकान पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद गोली चली। SDM और CO की मौजूदगी में ही ये फायरिंग की गई। वहीं इस दौरान एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब SO साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। SO साहब से जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ, उसकी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। आज ग्राम दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन वीरेंद्र प्रताप सिंह और W सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो SDM ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। पूर्व SP मीरालाल पटीदार 2 दिन पहले ही बर्खास्त किए गए हैं। तत्कालीन SHO देवेंद्र शुक्ला और सिपाही अरुण यादव पर कानूनी शिकंजा कसता ही जा रहा है। तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक लाइनमैन की मौत हो गई। लाइनमैन का शव 3 घंटे तक खंभे पर लटका हुआ मिला। विश्व हाथ धुलाई दिवस के मौके पर जिले में हाथ धुलाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी शकुंतला गौतम और अपर जिला अधिकारी अमित कुमार सिंह मौजूद रहे।
प्रदेश के बलिया में कोर्ट के आवंटन को लेकर बुलाई गई बैठक में एक युवक की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले में फरार आरोपी धीरेंद्र सिंह बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के करीबी होने की बात सामने आई है। बता दें कि विधायक सुरेंद्र सिंह द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं और आरोपी धीरेंद्र सिंह को मिठाई खिलाते हुए एक तस्वीर भी सामने आई है। अवसाद आकर नगर पालिका कर्मी ने जहर खा लिया। दरअसल आपको बता दें कि पालिका कर्मी को 3 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाथरस मामले में सीबीआई टीम ने दुष्कर्म आरोपियों से सुराग। मामले में सीबीआई की टीम आरोपी लवकुश के घर पहुंची। सीबीआई की टीम ने आरोपी लवकुश के घर से छानबीन की और आरोपियों के घर पूरी तरीके से खंगाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीबीआई भी गहनता से इसकी जांच कर रही है। मेरे बड़े भाई के कपड़े ले गई थी। किसके, क्या नाम भाई का? रवि। अच्छा, क्या ले गई थी रवि के कपड़े? ऐसा था, वैसे कलर था तो कलर में हो रहे थे बनने आने, खून के कपड़े हैं तो इसके लिए पैक कर ले गई थी सक में। क्या नाम है तुम्हारा? ललित। तो कहाँ और क्या क्या पूछा था, कुछ जानकारी? नहीं, वो मैं घर नहीं था, जब आया था जब मैंने दिया।